जय श्री महाकाल सभी को। और आपको पता है इस समय क्या ठंडी आ गया है, बहुत ही कम रेस्क्यू का फ़ोन आता है, कभी कभार एक दो फोन आ गया तो आ गया, क्योंकि ठंड में सांप हमेशा स्किन फटता है इनको ठंड में, तो ये हमेशा बिल में घुस के रहते हैं, सिर्फ धूप निकालते हैं अपने शरीर को, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको गर्म करते हैं, फिर इसके बाद खाने की तलाश में रहते हैं, खाना मिल गया ठीक नहीं तो वापस ये गर्म जगह चले जाते हैं। और मैं अभी रेस्क्यू कर रहा था शहडोल जिला इंद्रनगर में, तब तक मेरे पास अभी डिप्टी साहब का फ़ोन आया श्रीवास्तव जी का कि आप चले जाइए धिरोल अनूपपुर में पड़ता है हमारे जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश। और आप देख रहे होंगे ये बंदर अच्छे बड़े साइज में बंदर है, जिसको कुत्ते लोग हैं इन लोग, भाई लोग जिस तरह बता रहे मुझे नहीं पता है, बचाने वाले यही लोग हैं। और ऐसा सबको होना चाहिए, कभी भी ऐसे बेजुबानों को कहीं भी खतरे में देखे तो जितना हो सके आप लोग करना चाहिए। तो इन्होंने बचाया है, बता रहे हैं कि पानी पीने के लिए साथ गया था और तीन कुत्ते इसको पकड़ लिए और ये अकेले होने के कारण उन्होंने आपको बचा नहीं पाया, तो बेचारों को बहुत ज़्यादा ही चोट लगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुस्त हो चुका है, बेचारे का ये हाथ जो है फट चुका, मांस दिख रहा है, तड़प रहा है बैंक के अंदर। ये देखिए आपको इधर भी दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इसको काट दिया बुरी तरह से, ये पीछे भी लगा, पता नहीं ये उठ के बैठ पा रहा है कि नहीं, और एकदम सुस्त हो चुका है। तो बस इसकी मैं दवाई पट्टी अभी करता हूँ, और जितना हो सके मेरे द्वारा जो भी मैं इसका ट्रीटमेंट करूँगा ये ठीक हो जाए, बाकी तो ऊपर वाले की दुआ है, क्योंकि बंदर बहुत ही कम जल्दी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है ले आओ पट्टी ले, वही कर देते हैं, एक मलहम ले आना या वो मैं पाउडर का नाम पर, हाँ बीटाडीन पाउडर है ना, हाँ बस हो गया काम हो जाएगा, ले आइए। कितने देर से आ रहे हो? ठीक ठीक हाँ ठीक छोड़ दिया, चले गया छोड़ दिया, मर गया, इंजेक्शन लग गया क्या? पूछो नहीं, चलो दवा भी नहीं हुआ, खत्म भी हो गया, रखो के उतने टाइम लग रहा था जैसे निकाला ना चबड़ा, तभी समझ में आया खून बहुत गिर गया ना, खून गिर गया वो तो जाना ही है, उद्धार हो गया, चलो हो गया, भगवान के दर पे मारा है, कुछ करिए कहीं आ जाए तो आ जाए, बहुत नहीं लग रहा है, खुल गया ना। देखिए बंदर की मृत्यु हो चुकी है और कुत्तों ने इनको बहुत बुरी तरह से काट चुका था, अब इसको भैया आप काम करिए, गड्ढे वड्ढे करवा के इसको अच्छे से रखा देते हैं। इसकी आखिरी सांस चली रही थी, ठीक बोल रहे हैं, जीव निकालने लगा तभी समझ में आया कि अब लास्ट है, ये फूल है ना। देखिए बंदर की तो मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर, और बहुत ही बुरा लग रहा है कि हम ये बेजुबान को बचा नहीं पाते हैं, और जितना हो सके हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमारी बीट प्रभारी राठौर सर जी हैं, और इससे यही उम्मीद करूँगा कि ऊपर प्रशासन तक इस चीज़ को पहुँचाए कि यदि हमको रेस्क्यू के लिए भेजा जा रहा है तो हमको इनकी दवाई की जो भी होता है, जो भी उसका जो भी मूल्य लगता है वो आप उपलब्ध करवाएं, बाकी हम तो अपना सेवा दे रहे हैं, हम इनको रेस्क्यू कर रहे हैं, कम से कम तत्काल हम इनकी दवाई कर सकें, है ना। तो आप लोग भी सबको जितना है सपोर्ट करिए इस सब चीज़ में, क्योंकि हमको खुद अच्छा नहीं लगता कोई बेजुबान हमारे गोद पे ऐसे मरता ना तो अच्छा नहीं लगता, अगर यही इंसान होता तो क्या होता। आप उठाए हैं इसके बाद वो खत्म हो गया, देखिए हाँ उसकी मृत्यु लिखी थी शायद मेरे नाम, वही है ना कि आप इसको टच करें कि बाद में वो खत्म हो, अभी तक वो चबड़ा निकाल रहा था, जीव निकाल रहा था, जैसे उठा के ऐसे किया कि खत्म हो गया। चलो तड़पने सच्चा बेचारा तुरंत चले गया। हाँ ठीक कह रहा हूँ, और ये कुत्ते जब किलो पकड़े हो ना, कोई इधर जकड़ा होगा कोई इधर जकड़ा होगा, है ना, और वो देखिए कितना ब्लीडिंग कट गया है, बहुत ज़्यादा ये हाथ में ज़्यादा। राठौर जी तो आप बताइए अब इसका क्या करें, थोड़ा पे आप सूचना दीजिए, मैं तो आप पे आपका फोन आया आपको बता दिया, मैं फोन आया मैं तो पहुंच गया साहब को बता दिया कि अभी तुरंत पहुंचे हैं, दो सेकंड नहीं लगा खत्म हो गया, बोले होंगे मान लीजिए कितने कोदे ना इसी जगह में उसको गड़वाइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी गड़ जाएगा गड्ढा खोद के, वहाँ भी गाड़ना यहाँ भी गाड़ना, यहाँ गड़े रहेगा तो ये रहेगा कुत्ते नहीं खोदेंगे, और नमक हो सके तो नमक एक पैकेट डलवा दीजिए, नमक तो नहीं यहाँ ही खोदवा के, क्योंकि देखिए इनका कहाँ तुम हो,
का दिक्कत है? का दिक्कत है? ये बाउंड्री के पीछे एकदम करवाई देते हैं ना, किनारे ना, इतना तो खनना है। देखिए वहाँ खोदोगे कुत्ते लोग खोद देंगे। मेरे कहने का मंदिर के मंदिर में अगर इमारत आप यहीं पर करवा दीजिए। अरे अरे नहीं नहीं यहाँ नहीं करवाना है ना। अरे काहे को महकेगा? अरे इधर आओ ना, इधर यहाँ बगल में हमारे पूर्वज हैं। सोच रहे हैं, सोच ऐसी है क्या बोलो? अरे नहीं माता रानी है, माता रानी तो ये कौन से, ये हमारे भक्त ही तो है, इन्हीं का तो वंशज है। आए आप लोग इतने पढ़े लिखे पंडित हो के ज्ञानी आदमी नहीं हो के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वीडियो बन रहा है। आप जितना देख रहे हो देख लीजिए, ब्राह्मण समाज के मेरे को इनको ज्ञान कुछ नहीं महके होगी। चलिए ठीक है, वीडियो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे भी पहली बार कोई हाथ में मरा हुआ है और रेस्क्यू करते दिल टूट जाता है। लीजिए करवाई होगी यहीं पास, चलिए साइड में जाने दीजिए, यहीं कहीं पर छोड़ दो यार, वो इतना अच्छा आपको। चलो ओके बंद कर।